हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजॉन एकेडमी। फोर्थ लेक्चर है अपना यूपीएससी का, नॉमेनक्लेचर का। इसमें अपन आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्ट करते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, आज पूरा का पूरा लेक्चर इसी पे फोकस करेंगे अपन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। देखो, पहले इसको पढ़ते हैं अपन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। मतलब हम किसकी कमी की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कि कितने डबल बॉन्ड हैं। ये अपन अभी समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे अपन एक अजम्पशन लिया जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चाहे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एल्केन से बने। ठीक है, अब इसमें और डिटेलिंग में उतरने से पहले एक छोटी सी बात यहाँ पे अपन करते हैं। अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं 10th क्लास से कि देयर आर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर आर अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब किस चीज का सेचुरेशन भाई, किस चीज का? तो देखो, जैसे घर में अपन बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन चीनी से सेचुरेटेड है, या गुलाब जामुन में, रसगुल्ले में जो चाशनी है वो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो उसका मतलब ये होता है कि अब मैं उस पानी में और चीनी नहीं मिला सकता। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में और हाइड्रोजन नहीं मिला सकता। अगर मैं जबरदस्ती हाइड्रोजन मिलाना चाहूंगा तो कंपाउंड टूट जाएगा, ये मतलब होता है। मतलब यहां पे जब हम सैचुरेटेड बोल रहे हैं तो दैट कंपाउंड इज सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन, मैं उसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकता हूं। टू एक्सप्लेन इट मोर, देखो अगर मैं ये एक एल्केन लेता हूं, इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करने की कोशिश करूं, तो देखो तुम बिना मॉलिक्यूल को तोड़े हुए यहां पर हाइड्रोजन ऐड ही नहीं कर पाओगे, ये तोड़ के ही तुमको मिथेन बनाना पड़ेगा। जबकि अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इधर लेट से कि मैं एक डबल बॉन्ड ले रहा हूं CH2 CH2, अब इससे मुझे एल्केन बनाना है, तो एल्केन बनेगा CH3 CH3। ये बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए, सिर्फ एक। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो एल्कीन है उसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी है। तो इस वजह से इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम बोलेंगे 1, या फिर इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हम बोलेंगे 1, या फिर इसके लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अपन बोलेंगे 1। मतलब इसको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत है और फिर ये अपना एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे बात, जैसे यहीं पे, ठीक है। तो ये तो अपना एक एग्जांपल हो गया, ए लिख लेते हैं। मान लो मैं यहां पे एक एल्काइन ले लेता हूं और इससे मैं एल्केन बनाना चाह रहा हूं, तो एल्केन तो अभी भी मेरे पास यही बनेगा, लेकिन अब मुझे कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, 2। तो मैं क्या बोलूंगा, इसके लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है 2, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है 2। ये सारी एक ही चीज है, बस अलग अलग नाम है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी इतनी सी। ठीक, तो हम किसकी डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, बेसिकली हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे, अगर मुझे स्ट्रक्चर पता है तब तो मेरे लिए चीजें बहुत आसान है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, अगर मैं यहां पे एक रिंग ले लेता हूं, अब एक बार इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देखो, 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने होंगे, 6। ठीक है, हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन, लेकिन इससे जो एल्केन बनता वो एल्केन होता, 3 कार्बन का एल्केन क्या होता, ये होता। तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, C3H8। कितने की डेफिशिएंसी दिख रही है तुमको, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। मतलब कि रिंग के लिए भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है भैया, 1। और पीछे हमने देखा कि डबल बॉन्ड के लिए भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है, 1। तो इससे एक बहुत मजेदार चीज निकल कर आई कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिंग स्ट्रक्चर और डबल बॉन्ड ये इक्विवेलेंट है। अब ये बहुत अच्छी चीज हो गई, हमको आइसोमेरिज्म में हेल्प करेगी, जब हम सिस और ट्रांस पढ़ रहे होंगे उधर अपन इसको और देखेंगे। लेकिन अभी मुझे ये समझ में आया कि जो रिंग स्ट्रक्चर है, भले ही सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, मुझे एल्केन दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर भी हाइड्रोजन ऐड हो सकता है उसको एल्केन बनाने के लिए। बात क्लियर है, ये कोई दिक्कत? तो ये तो अभी बात हुई हाइड्रोकार्बन की। अब देखो, तुम इसमें फंक्शनल ग्रुप्स को भी उठा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। मान लो कि मैंने यहां पर एक एल्डिहाइड उठा लिया, अब इस एल्डिहाइड में यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो मैं इसके ऊपर हाइड्रोजन को बिल्कुल ऐड कर सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा तो इस ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा और इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इसके लिए भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हुआ, 1।
तो बेसिकली डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या रिंग स्ट्रक्चर को खोल के एक लॉन्ग चेन कार्बन की बनाने के जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो, दैट्स इट। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर है बात? अब अगर तुमको स्ट्रक्चर दे रखा है तब तो चीजें बहुत ही आसान है। अब जैसे एक स्ट्रक्चर अगर मैं तुमको ये दे देता हूं, तो एक इसमें रिंग है दिख रहा है अपन को, और एक इसमें डबल बॉन्ड है। अभी हम ऊपर देख कर आए कि रिंग को खोलने के लिए भी मुझे एक हाइड्रोजन चाहिए और डबल बॉन्ड को हटाने के लिए भी एक हाइड्रोजन चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है? 2। चमकी बात? तो आप मुझे फटाफट से बता दो, अगर अपन बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होना चाहिए? हम डायरेक्टली लिखेंगे 4, एक रिंग 3 डबल बॉन्ड, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 4। अब अगर मुझे स्ट्रक्चर पता है तो चीज मेरे लिए बहुत आसान है। अगर मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता तब बेटा वाट लग जाएगी। कैसे? लेट से कि अपन ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, C5H9OH। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, मुझे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया। तो एक और तरीका होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए, जहां अपन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है अपना फॉर्मूला? देखो अपना फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, 2NC+2 - M+T। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या है। ये नाम देख के घबराहट हुई होगी लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। एनसी डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। एम डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी कितनी है? 1। टी डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम्स, मतलब जिनकी वैलेंसी है 3, या वो 3 बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो तुम्हारे दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी कि सर बाईवेलेंट कहां गया, उसको क्यों नहीं डाला, कुछ तो लॉजिक होगा। बिल्कुल है। देखो हम डेफिशिएंसी बोल रहे हैं हाइड्रोजन की, H2। मोनोवेलेंट क्या होगा? मोनोवेलेंट हुए तुम्हारे सारे हैलोजन्स या नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, हैलोजन से समझो, ठीक है। जैसे लेट से मैं क्लोरीन ले लेता हूं, ये मोनोवेलेंट है, तो मैं निकाल तो 2 हाइड्रोजन रहा हूं, मतलब मैं 2 बॉन्ड तोड़ रहा हूं, और मैं डाल रहा हूं मोनोवेलेंट, ठीक है, तो मेरे पास एक हाइड्रोजन की कमी रह जाएगी, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करा। ट्राईवेलेंट क्या हुआ? जैसे नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन डालोगे तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन हटाए हैं तुमने 2 बॉन्ड तोड़ के, मतलब यहां पे एक बॉन्ड एक्सेस में हो जाएगा, इसलिए +T। बाईवेलेंट के साथ क्या है? बाईवेलेंट के लिए जैसे ऑक्सीजन, तो मैंने हाइड्रोजन हटाए 2 बॉन्ड तोड़ के, बाईवेलेंट डालूंगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो कुल मिला के उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसलिए हमने यहां पे बाईवेलेंट नहीं लिया। क्लियर है मेरी बात? अब फॉर्मूले को यूज कैसे करना है? ऊपर है तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डालो बिंदास। हाफ कार्बन कितने दिख रहे हैं? 5 लिख दिए। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? पहले +2 कर लो। मोनोवेलेंट के लिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 10। ट्राईवेलेंट कोई भी नहीं है, ऑक्सीजन बाईवेलेंट है, उसको लेना नहीं है, ये हो गया। 10 + 2 = -10 = 2 एंड दिस इज 1। मतलब इस कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 1। अब सर ये निकाल तो लिया, फायदा क्या है? अब तुम्हें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता था लेकिन अब तुम बना सकते हो। कैसे? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 आ रही है, वो क्या डिनोट करेगा? कि या तो इसके पास एक डबल बॉन्ड है या फिर इसके पास एक रिंग है। है मजेदार चीज? तो अब देखो तुम कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स इसके बना सकते हो। हमने लिया C5H9OH, तो मैं क्या कर सकता हूं? पहले तो मैं 5 कार्बन की चेन बना दूं और उस पर OH लगा दूं। बढ़िया, DU1 है इसका, अपन को पता चल ही चुका। फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं 4 कार्बन की चेन बना दूं और बाहर एल्कोहल लगा दूं, या फिर मैं 3 कार्बन की चेन बना दूं और मैं इसके ऊपर लगा दूं इस तरीके से। इसमें से तुम एक कार्बन यहां भी खिसका सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, भले ही चेक कर लो, फॉर्मूला सेम रहेगा। या फिर तुम डबल बॉन्ड के साथ एक स्ट्रक्चर बना सकते हो ऐसे। अब देखो डबल बॉन्ड भी कितनी जगह लग सकते हैं। अभी मैंने यहां लगाया, मैं यहां भी लगा सकता था, मैं यहां भी लगा सकता था, मैं यहां भी लगा सकता था।
तो बेसिकली ये तुमको कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें बहुत हेल्प कर रहा है। मजेदार चीज, ठीक। जैसे प्रैक्टिस के लिए एक चीज अगर और देखो, मान लो C14H22 ये लिखा हुआ है, इसके लिए निकालना है। लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? हाफ टू इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज 14 प्लस टू माइनस मोनोवेलेंट दैट इज 22। कोई ट्राइवेलेंट यहां पे है ही नहीं, ठीक है। ये कितना हो गया? 14 टू 28, 22, 28 प्लस टू 30, 30 माइनस 22 8, 8 बाय टू 4, मतलब इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 4। है मजेदार चीज, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं अपन, देखो और एग्जांपल देखो यहां पे। लेट्स से अपन एक स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं, ठीक है, और यहां पे लगा लेते हैं साइनाइड। अब इसके लिए मैं पूछूं तुमसे, बताओ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा? तो पहले तो रिंग को पकड़ो, ये बेंजीन रिंग है, इसके लिए हमें पता है अब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4। और साइनाइड को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो यहां से डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ गई 2, तो पूरे कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 6। है मजेदार बात। फिर देखो इधर, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर ही दे दे तुमको, ये स्ट्रक्चर दे दे, तो अब इसमें तुमको क्या दिख रहा है? दो रिंग साथ में, तो सिंपली लिख कर आओ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 2। कोई लोड ही नहीं लेना, अगर स्ट्रक्चर है तो क्वेश्चन बहुत आसान है मेरे लिए। एक एग्जांपल अगर अपन ये ले लें, अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब इसमें देखो, एक तो रिंग हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया और एक ये डबल बॉन्ड, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन विल बी 3। हाई बात समझ में है, मजेदार चीज, ठीक है। फिर देखो यहां पे, अगर मैं ये स्ट्रक्चर दे देता हूं इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर ले लो, इसमें क्या करेंगे? एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड ये, तो इसके लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी आ रही है? 4। आ रही है बात समझ में? अब देखो इसमें एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल समझाता हूं मैं तुमको। यहां पे एक एग्जाम्पल आता है क्यूब का, जिसको अपन क्यूबेन बोलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा और ये मिस्टेक होती है, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, और ये तुमको स्ट्रक्चर बहुत मिलने वाला है। दिस इज क्यूबेन, ठीक है। देखो मैं तकलीफ बताता हूं यहां पे क्या होएगी। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 8 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन कितने होंगे इस पे? ये वाले सारे कार्बन्स को देखो, कैसे कार्बन है, सारे कार्बन को देखो, हर कार्बन 3 3 डिग्री है ना। तो इसका फॉर्मूला होने वाला है C8H8, ठीक। अब फॉर्मूला लगाओ एक बारी, जो अभी हमने पढ़ा है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का। हाफ कार्बन एटम्स इंटू ट्वाइस, ठीक है, प्लस टू माइनस मोनोवेलेंट एटम्स मतलब 8। कितना आ रहा है? 16 प्लस टू 18, 18 माइनस 8 इज 10, 10 बाय टू इज 5। तो इसके लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी है? 5। अब प्रॉब्लम क्या है? रिंग्स काउंट करो जरा, तुमको रिंग्स कितनी दिखेंगी? एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक इधर, एक इधर, एक फ्रंट फेस, एक सामने वाला फेस। तो अगर तुम रिंग के हिसाब से जाने की कोशिश करोगे तो रिंग तुम्हें दिखेंगी 6, लेकिन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 5। अब इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, ये क्यूबेन है, इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगा? C8H18, ठीक है, ये एल्केन होगा इसके करस्पॉन्डिंग, बोलेंगे हाँ या ना। अब अगर ये एल्केन होगा इसके करस्पॉन्डिंग, तो कितने हाइड्रोजन की कमी दिख रही है? 10 हाइड्रोजन की। तो ये तो 10 हाइड्रोजन की है, मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के? 5। तो DU5 ही है। अब ये क्वेश्चन वहां पे हेल्प करता है जो बच्चे फॉर्मूले से भागते हैं। अगर तुमने स्ट्रक्चर देखकर करने की कोशिश करी, आंसर विल बी रॉन्ग, बिकॉज आंसर इज 5। हमने इसको ऐसे भी चेक कर लिया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है। इसको अपन 2D में अगर बनाए तो 2D में ये मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा,
देखो इसको 2D में भी बना, एक और तरीके से मैं तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारे पॉसिबल वेज हैं क्यूबेन को समझने के। इसका अगर मैं 2D प्रोजेक्शन बनाता हूं तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे ये, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको ओपन चेन करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना है। लेट से मैंने पहले ये वाला बॉन्ड खोल दिया, तो यहां पे एक हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया होगा, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन कंज्यूम होने के बाद मेरे पास ये बचा, ठीक है, ये बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां से एक और बॉन्ड तोड़ देता हूं, तो यहां पे एक और हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास ये स्ट्रक्चर बचा, ठीक है। अब मैं ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देता हूं, तो एक और हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ होगा, और उसके बाद मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास सिर्फ ये बचा। अब मैं ये वाला बॉन्ड खोल देता हूं, तो यहां पे एक और हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ, ये तोड़ने के बाद तुम्हारे पास क्या बचा, ये बचा। अब ध्यान से देखो, एक भी कोई सा बॉन्ड तोड़ते ही क्या होगा, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन हो गया। समझ आ रही है बात? तो तुमने कितने हाइड्रोजन कंज्यूम करे ड्यूरिंग द प्रोसेस, 1, 2, 3, 4 और 5। तो तुम कैसे भी समझ लो, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 5 ही आने वाला है। मजेदार चीज, आया मजा इसको समझने में? चलेंगे, क्लियर है मेरी बात? ये क्यूबेन का एग्जाम्पल एकदम बढ़िया तरीके से। तो अब मान लो कि मैं क्यूबेन को ही मॉडिफाई कर देता हूं, ठीक है। तुमको क्यूबेन दे रखा है और इसी को हमने मॉडिफाई कर दिया, कैसे? अब मैं इस पे दो ग्रुप लगा देता हूं, इधर लगा दिया मैंने साइनाइड और यहां पे मैं लगा देता हूं कार्बोक्सिलिक। तो अब अगर मैं तुमसे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसकी डायरेक्टली पूछूं, तो क्यूबेन के लिए 5, ठीक है, इधर से 2, इधर से 1, तो टोटल DU विल बी 8। तो देखो, कुछ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर याद कर लोगे ना, तो इसमें क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे बेंजीन याद रख लो, 4 होता है। क्यूबेन ये तो जरूर याद रख लेना, क्योंकि गलती से ये आ गया और तुमने वहां पे स्ट्रक्चर देख के निकालने की कोशिश करी, भारी मिस्टेक होने वाली है, उसका आइडिया तुम्हें लग गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसका यूज क्या है, मैं अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला पता है DU निकाल के, मैं उसके स्ट्रक्चर्स गैस कर सकता हूं कि ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। हम एकदम एक्यूरेटली तो नहीं बता पाएंगे, हाँ, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हो सकते हैं। या फिर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज तो यही है कि डायरेक्टली सवाल मुझसे अगर कर लेगा तो मुझे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना आना चाहिए। बढ़िया बात, कोई तकलीफ नहीं। फॉर्मूले से भी क्लियर है, स्ट्रक्चर से भी क्लियर है, और क्यूबेन का इंपॉर्टेंट केस भी क्लियर है। बढ़िया, तो थैंक यू यार। तो पढ़ाई करो अच्छे से अपनी, है ना, और ध्यान रखो, एंड हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems, and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.